सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के मैं एक बार फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज के रिएक्शन वीडियो होने वाला एमिवे का। कल रात में फॉर यू रिमिक्स आया था एमिवे का सॉन्ग, बट मुझे पता नहीं चला, मेरे नोटिफिकेशन ऑफ था यूट्यूब का। सो मैं लेट हो गई इस वजह से थोड़ा सा, और इंस्टा पे मैं ऑनलाइन गई नहीं थी, तो रिग्रेट हो रहा है यार, मैं लेट हो गई। मैं लेट नहीं होती हूँ, बट इस बार हो गई। और बिना लेट करते हुए वीडियो को देखते हैं और देखते गाना कैसा है। लेट्स को सुनते हैं। एमिवे बंटा एक्स मनू, ओके कोलैबोरेशन है, ओके। लेट्स प्ले द म्यूजिक। अनदेखी राहों ते में चलदा सी, लभदा सी खुशबू तेरी, बाहों च में बसना सी, रब कोल मंगे आज मिला कदी ना मैं फेरदा सी कला के हुक। पंजाबी में, सो पूरा गाना पंजाबी में होने वाला है क्या? तेरा जिक्र करा ते मेरे उते अंज जिया फिकर ना पा, मैंने किती बेईमानी मैनू मगरों ना लावे या तेरी आंदी है। मैं की करा हर वेले रोज हसांदी है, उफ बेहसाब जद दिल ते कसम बढ़ांदी है, जा मेरी जान दी है ते जा मेरी दस मैं की तागोना। Never running out of space for you, अधी रातों में जागा भी in there for you, तू आएगी मेरे सपनों दी रानी, no I'm here for you, let me make things crystal clear for you, for you। Very nice. उसने मिला तुझसे सुकून लेने, भेजा और बोला खुद को ढूंढ लेने, किसी से जुदा होना इजी नहीं है, अगर होता तो ना आते फरिश्ते खुद से रू लेने, भले से दुनिया भर में बना पहचान है। क्या लाइन थी भाई, बहुत भारी लाइन थी। उसने मिला तुझसे सुकून लेने, भेजा और बोला खुद को ढूंढ लेने, किसी से जुदा होना इजी नहीं है, अगर होता तो ना आते फरिश्ते खुद से रू लेने, भले से दुनिया भर में बना। ये बहुत बड़ी लाइन है यार, मुझे मतलब एमिवे ऐसा कुछ लिख देता है ना जो हम सोच में पड़ जाते हैं भाई। ये मतलब ऐसी लाइन ना गूज़बम्स आ रहा है कि बिछड़ना अगर इतना इजी होता तो हमारे जिस्म से रूह निकालने फरिश्ते नहीं आते, वो खुद निकल जाता, मतलब खुद जुदा हो जाता। तो यहाँ बहुत मिला तुझसे सुकून लेने, भेजा और बोला खुद को ढूंढ लेने, किसी से जुदा होना इजी नहीं है, अगर होता तो ना आते फरिश्ते खुद से रू लेने, भले से दुनिया भर में बना पहचान है, सब मुझ पे खफा क्योंकि तुझ पे फंसा जान है, यादों के साथ जीना तेरे कैसे आसान है, सब्र के साथ चला इतना रास्ता हैरान है, सोचता हूँ कौन सी बात लिखूं तेरे लिए प्यार या फिर तेरी याद लिखूं, दिल में शुक्र फिर भी बैठ के फरियाद लिखूं, फ्लेक्स करूं माइक पे या असल के हालात लिखूं, सोचे बिना भी ये याद चले तेरे और खामोशी दिखता कैसा देख। भाई मेरे को बहुत गंदे गूज़बम्स आ रहे यार एमिवे लिरिक्स, भाई खतरनाक लिरिक्स की। फ्लेक्स करूं माइक पे, जो असल ज़िंदगी के हालात है, जो जज्बात है, वो मतलब कि वो रियलिटी दिखा दूं कि फ्लेक्स करूं, क्या करूं भाई। दिल में शुक्र फिर भी बैठ के फरियाद लिखूं, फ्लेक्स करूं माइक पे असल के हालात लिखूं, सोचे बिना भी ये याद चले तेरे और खामोशी दिखता कैसा देख जरा मेरे और, तेरे बिना जीना सोचना ही नहीं, मुझे रुकना ही नहीं, बस कहना याद तेरी आंधी है, मैं की करा हर वेले रोज सांदी है, ओ बेहिसाब जदों दिल ते वो कदम बढ़ांदी है, जा मेरी जान दी है, ले जा मेरी क्या था ये। मतलब एमिवे क्या आवाज़ सुन के ना मैं भी एकदम उस जोन में चली गई भाई, खतरनाक ब्रो। मतलब ये सॉन्ग मैं ऐसा सोची नहीं थी कि एमिवे इस टाइप का मेलोडी करेगा, वो भी पंजाबी में। ब्रो हिला डाला, ब्रो हिला डाला। मतलब जदों दिल ते वो कदम बढ़ांदी है, जा मेरी जान दी है, ले जा मेरी दस में की तागुना। दिस भाई फायर स्पेस फॉर यू, अधी रातों में जागा भी in there for you, तू आएगी मेरे सपनों दी रानी, no I'm here for you, let me make things crystal clear for you। Very nice bro, very nice. Never running out of space for you. I've been there for you. Tú aquí vienes a pelo de la mí, no I'm here for you. Let me make things crystal clear for you, for you. This vibe, bro, fire. ये सॉन्ग ना डेडिकेटेड सॉन्ग है। अभी वैसे भी एक सेकेंड, अभी वैसे भी फरवरी का महीना प्यार वाला महीना चल ही रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। सो यह एक फुल्ली डेडिकेटेड सॉन्ग है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ फीलिंग्स है और ऐसे बोल नहीं पा रहे तो भाई ये गाना उसको शेयर कर दो यार, मतलब दिल बन जाएगा भाई। मतलब बहुत 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 प्यारा गाना। और भाई एमिवे की ना सोच ही कुछ डिफरेंट है, वो कब क्या लेके आ जाए किसी को नो आइडिया। तो इसीलिए एमिवे को जब भी मैं सुनती हूँ ना तो एक शॉक में रहती हूँ कि ये क्या था। मतलब इसके लिए ना आप प्रिपेयर होके नहीं बैठोगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो अचानक से आपको ना आप जितना सोच के बैठो उससे ज़्यादा ही देके जाएंगे। तो वो चीज़ बहुत अमेजिंग होती है। ट्रैक बहुत फैबुलस था, मज़ा आ गया सुन के। मतलब गूज़बम्स आ रहे थे भाई मेरे को, एकदम मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स को अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक वर्ड में कि मुझे गाना फील के मतलब एकदम इतना प्यारा वाइब आया ना कि मैं बोल नहीं सकती। तो ये फुल्ली एक डेडिकेट सॉन्ग है, अगर आपके है कोई तो उसको शेयर करो यार, मतलब उसका दिन बन जाएगा सुन के। बहुत प्यारा गाना था। एमिवे को इसीलिए हम इतना ज़्यादा पसंद करते क्योंकि वो अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को कभी निराश नहीं करते। हम जितना उनके बारे में सोचते हैं वो उससे भी कुछ बढ़कर हमें देख के जाते हैं। तो या एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है ऐसे गानों में एमिवे के। और वो जो आया ना जहाँ पे मेरा रिएक्शन देखे आप लोग, वो भाई मेरे को ऐसा लगा क्या, मतलब क्या है ये। तो बहुत प्यारा लिरिक्स, बहुत प्यारे थे यार। किसी से जुदा होना इतना भी आसान नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर फरिश्ते नहीं आते हमारे रूह निकालने के लिए। तो किसी से जुदा होना इतना आसान नहीं। और वो लाइन ब्रो कि असल में जज्बात लिखूं या माइक पे आके फ्लैक्स करूं, वो मतलब ये सब जो लाइन आती है ना तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि लाइफ में जो चीज़ें चलती है अगर आप किसी को बताओ जो आपके इतना क्लोज़ नहीं है तो आप उसको डिफरेंट बताते हो। मतलब आप अपनी परेशानी उसको नहीं बता पाते, आप अपना अच्छा साइड उसको दिखाओगे, आप अपना सैडनेस वाला या बैड मोमेंट्स उसको नहीं बताते। तो ये चीज़ें ना रिलेट करती है। गाने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गाना एमिवे का जैसा भी हो, जैसा भी वो एक रोमांटिक ट्रैक हो, वो एक पार्टी वे ट्रैक हो, कोई भी ट्रैक हो, कोई भी उठा लो, उसमें कुछ ना कुछ एक मैसेज रहता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैसेज को मैं सुनती हूँ, मुझे रहता है कि अब इसमें कहाँ पे क्या मैसेज आने वाला है। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, बहुत मज़ा आया सुन के। होप्स आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा लेट हो गई यार, आई एम सो सॉरी। मैं सुबह से रिग्रेट कर रही थी कि मैं यार बहुत लेट हो गई, मुझे सुबह से बनाना था बट मेरे पास फ़ोन नहीं था दूसरा वाला जिसमें मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसीलिए मुझे लेट हो गया। तो आप लोग भी वेट करोगे ना कल रात में क्या आएगा, बट आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं लेट ना हूँ। और अभी के लिए बस इतना ही था मेरा रिएक्शन। होप्स आप लोग को अच्छा लगा। अगर लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। आप लोग अपना ध्यान रखो और ऐसे मेरे साथ बने रहो। बाय बाय।